कांग्रेस पार्टी धर्मांतरण विरोधी कानून जो कर्नाटक में इससे पहले बीजेपी की सरकार लेकर आई थी उसे पलटने की कोशिश करती है। वहीं नर्मदा आरती के साथ प्रियंका वाड्रा गांधी मध्य प्रदेश में एक तरह से शंखनाद करती हैं चुनाव का। भारतीय जनता पार्टी अपने सिरे से बार बार ये कहती है कि हिंदुत्व की कॉपी करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो क्या एक तरफ धर्मांतरण विरोधी कानून पर रोक लगाना कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में, वही धर्म के आधार पर राजनीति की शुरुआत करना एक कंफ्यूज्ड कांग्रेस को दिखाती है, तो क्या दूसरी तरफ बीजेपी ये समझती है कि धर्म आधारित राजनीति पर सिर्फ उसकी और उसकी बपौती या जागीर है। चुनाव और चुनाव में जीत सियासत का यही एकमात्र मकसद और कामयाब चरित्र होता है, बेशक इसके लिए विचारधारा में बदलाव ही क्यों न करना पड़े। सबूत सामने, क्योंकि हिंदुत्व को लेकर कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस का अलग रुख रहा और अब मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले कुछ अलग विचारधारा पर चल रही है पार्टी। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस ने कट्टर हिंदुत्व को चुनावी मुद्दा बनाया और बजरंग दल पर बैन लगाने की बात की, तो वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस नरम हिंदुत्व की राह पर चलती दिखाई दे रही है। चंद दिनों पहले ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जबलपुर में नर्मदा आरती में हिस्सा लिया, साथ में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी थे। मध्य प्रदेश में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है, लिहाजा बीजेपी ने चट से इसे सियासी रंग देते हुए कांग्रेस का क्षणिक हिंदू प्रेम करार दे दिया। हालांकि कमलनाथ इसे MP की जनता के लिए प्रार्थना से जोड़ रहे हैं। दोनों भाई बहन चुनावी हिंदू है, UP चुनाव आया तो गंगा जी में डुबकी लगाई, MP का चुनाव आ गया तो नर्मदा जी पे पहुंच गई। चुनाव पे ही इनको क्यों याद आती है इसकी। मध्य प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, इस भ्रम में आने वाली नहीं है। अब वो हाँ बिल्कुल, हम मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए, मध्य प्रदेश की सुरक्षित भविष्य के लिए, मध्य प्रदेश किसान नौजवान छोटे व्यापारी गरीब का भविष्य बना रहे इसके लिए हमने किया है। सवाल है कि क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी की पिच पर खेलने के लिए मजबूर हो गई है कांग्रेस। सवाल ये भी है कि क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस हिंदुओं को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती। जवाब इसलिए जरूरी है क्योंकि महज कुछ दिनों पहले कर्नाटक चुनाव में इसी कांग्रेस ने कट्टर हिंदुत्व को टारगेट किया था। ऐसा कहने के पीछे चुनाव पूर्व और चुनाव बाद कांग्रेस के वो फैसले हैं जिन पर गौर फरमाना जरूरी है। चुनाव प्रचार के दौरान ही कांग्रेस ने कर्नाटक में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। सरकार बनाने के बाद कांग्रेस ने कर्नाटक में बीजेपी राज में लाए गए धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करने का फैसला किया। इसके अलावा कांग्रेस ने किताबों के सिलेबस में शामिल किए गए RSS के संस्थापक GB हेडगेवार और सावरकर के भाषणों को हटाने का फैसला किया। जो गांधी और अम्बेडकर और नेहरू की विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी की येदुरप्पा और बोमई सरकार ने हटाया था उसे हमने पुनः स्थापित किया है, क्योंकि हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे की विचारधारा और उस विचारधारा को आगे ले जाने वाले हेडगावर को देश के बच्चों को, कर्नाटक के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। हम सावरकर जिसने देश के स्वतंत्रता सेनानियों की पैसे लेके मुखबरी की, उस विचारधारा को देश के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। ये इनके मुद्दे का खास पहलू है कांग्रेस का। उन्होंने इसी के आधार पे, क्योंकि वहां पे तुष्टिकरण की राजनीति करनी है, तुष्टिकरण का जो वोट बैंक है उसको बरकरार रखना है, इसलिए कांग्रेस इस तरीके से बदले की राजनीति कर रही है जिसमें वीर सावरकर जी को निशाना बना रही है। इसका बदला कर्नाटक की जनता 2024 के चुनाव में कांग्रेस से लेगी। हालांकि कर्नाटक में बीजेपी ने भी बजरंग दल के बहाने बजरंग बली को ढाल बनाकर चुनाव लड़ा जो काम नहीं आया, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस के कट्टर हिंदुत्व और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व के फॉर्मूले को समझा जा सकता है। कर्नाटक की आबादी में 84.5% हिंदू और करीब 13% मुसलमान, जबकि मध्य प्रदेश में 90.89% हिंदू और 6.57% मुसलमानों की आबादी है। मतलब साफ है कि दोनों राज्यों में फीसदी के हिसाब से मुसलमानों की आबादी में दोगुने का फर्क है। हालांकि कांग्रेस समर्थकों ने हमेशा दावा किया है कि उनका हमेशा से हिंदुपन में विश्वास रहा है, लेकिन उन्होंने कट्टर हिंदुत्व से दूरी बनाए रखी है। लेकिन ये भी हकीकत कि राज्य दर राज्य कांग्रेस की चुनावी रणनीति बदलती रहती है। आखिर चुनाव में जीत यही तो सियासत का मकसद है। आज तक ब्यूरो।